हमारी लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिया है आप सभी लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसीलिए हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाई थी 16 प्लस महिंद्रा जिन्यू नेसेसरीज, और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले एक ऐसी शानदार चीज ना जिसके बिना सारी ट्रिप अधूरी है। अगर आप एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको अपनी कार में कुछ एडिशनल लगेज स्पेस जोड़नी है, अगर आप मेरे जैसे जिनको बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी फैमिली आके उनकी प्यारी सी कार के अंदर अपना कचड़े जैसा सामान पटक दे, तो भी आपके लिए मस्ट टू हैव एक्सेसरी है। अभी आपको जो मैं लगेज कैरियर बॉक्स दिखाने वाला हूँ, ये पैंटियर का लगेज कैरियर बॉक्स है, इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 450 लीटर। और आज मैं बात करने वाला हूँ 7 उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि ऐसा लगेज कैरियर बॉक्स आपको आपकी गाड़ी पे लगाना चाहिए कि नहीं, आपकी फैमिली के लिए सूटेबल है कि नहीं, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। इसका जो प्राइस है वो मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है और मैं वीडियो में आगे बढ़ने नहीं वाला। अगर आप हमारे चैनल पे नए फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मैं बढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। जिन लोगों ने कर दिया उनको मेरी तरफ से थम्स अप, जिन्होंने नहीं किया भैया कर लो यार, शर्म करो थोड़ी सी, कर लो। तो वो 7 पॉइंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहली चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपेसिटी, कि भाई कितनी कैपेसिटी है, कितना सामान लाद सकते हैं। दूसरी चीज जो कि हम बात करने वाले हैं दैट इज स्टेबिलिटी, कि इतना सामान लादने के बाद ये गाड़ी कितनी स्टेबल है, हाईवे पे, नॉर्मल रोड्स पे, बम्पी रोड्स पे कैसा परफॉर्म करती है, आप इसको ड्राइव करते समय कंफर्टेबल फील भी करेंगे कि नहीं। तीसरी जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज लुक्स, कि भाई लुक्स कैसे लगते हैं। आप इतनी प्यारी गाड़ी ले रहे हो तो आप चाहोगे कि आप कोई ऐसी चीज लगा दें इसके ऊपर जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगने की जगह धब्बा बन जाए, बिल्कुल भी नहीं, और मैं भी नहीं चाहूंगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है नॉइस, कि भाई अंदर कितनी आवाज आती है, कि आपको आवाज सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं या भर 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 हवा की आवाज अंदर चलती रहती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं दैट इज कि कितना एक्सेसिबल एंड यूजेबल है, एंड देन करना आएगा सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर दैट इज कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। आपका शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि ये लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, और होगा तो किस सिचुएशन में होगा, नहीं होगा तो किस सिचुएशन में होगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी आइए चलिए सबसे पहले कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, कि भैया कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, कितना सामान आप लेके ढो सकते हैं। तो जब कैपेसिटी की बात आती है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर डाल सकते हैं एक मीडियम साइज ट्रॉली केस, उसके अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं एक स्मॉल साइज ट्रॉली केस, आप इसमें लार्ज साइज ट्रॉली केस नहीं डाल सकते हैं। फॉर योर रेफरेंस कि भाई ये तीनों साइज होते कौन से हैं, मैं यहाँ पे क्लिप डालने वाला हूँ, आपको अभी फिलहाल क्लिप दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा तीनों वेरिएशन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसके अलावा आप 2 या 3 डफल डाल सकते हैं, और अगर आप वहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा तो मैंने छोटे छोटे 2 स्टूल्स, फोल्डेबल स्टूल्स भी रखे हुए हैं, इतना सामान अंदर आ सकता है। आप चाहें तो इनको रिप्लेस करके मल्टीपल मीडियम साइज डफल बैग भी डाल सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी पिकनिक पर जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर आप 4-5 दिन की ट्रिप अपनी फैमिली के साथ करने वाले हैं, इसके अंदर मोर देन इनफ सामान आपका आ जाएगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो फ्रंट के साइड में आप छोटे मोटे बैग्स लगा पाएंगे, बैक साइड में बड़ी ट्रॉली बैग लगा पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दिस हार्ड टॉप लगेज कैरियर बॉक्स। अगर ऊपर आपको वो दिख रहा हो तो वो हमारे फोल्डेबल स्टूल्स हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेगा 10 मस्ट टू हैव एसेंशियल रोड ट्रिप एसेसरीज, जिनके साथ आपकी रोड ट्रिप और भी शानदार हो जाती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में एज सच मुझे कुछ इश्यू देखने को नहीं मिला। मैंने ये गाड़ी हार्ड एंड बम्पी रोड्स पे इसके साथ हाईवेज पे भी चलाई, जहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंटली 100 प्लस स्पीड मेंटेन करके रखी थी, मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। गाड़ी बहुत ही स्मूथली ड्राइव हो रही थी एंड फील भी नहीं हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई लगेज कैरियर बॉक्स भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर 60-70 केजी वजन भी डाला हुआ है। इन टर्म्स ऑफ राइड इट वॉज अ स्मूथ एक्सपीरियंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को कुछ हैम्पर करेगा तो बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप इसके साथ अपनी राइड को एंजॉय करने वाले, बिकॉज अंदर का सामान भाई ऊपर पहुंच जाएगा तो अंदर कार में जगह ही जगह हो जाएगी। स्टेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लुक्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ आपकी गाड़ी के लुक में 4 चांद लग जाते हैं। मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि इसको आप उसी कलर का लीजिएगा जिस कलर की आपकी गाड़ी हो, ये गाड़ी को थोड़ा सा और माचो, थोड़ा सा हंक लुक देता, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऐड करता आपकी गाड़ी में, और पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ एरियल शॉट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओवरऑल गाड़ी के एस्थेटिक पे ये कैसा लग रहा है। अगर लुक्स की बात आई गई है तो मैं थोड़ा सा इसके अर्गोनॉमिक फैक्टर या इसके एस्थेटिक के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है एक स्लांटेड डिजाइन, एक स्लोपी डिजाइन, जो कि आपको किसी सुपर कार जैसा नजर आएगा। पीछे आते आते ये डिजाइन ऊपर की तरफ उठता है, और एंड में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आपको रूफ स्पॉइलर देखने को मिलता है ना, इन द सेम सेंस अ स्पॉइलर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप, और आपको लगेगा कि भाई ये सब देखने के लिए सामने से जब विंड आती है तो इससे टकरा के ऊपर की तरफ उठती है। सामने आपको ये थोड़ा सा चपटा दिखाई देगा ताकि जो एयर ड्रैग देखने को मिलता है उसको ये मिनिमाइज कर सके, ताकि आपकी गाड़ी और आपके राइडिंग कंफर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, ऊपर हमारा लगेज कैरियर माउंटेड है और अभी मैं चल रहा हूँ 40-60 km/h की स्पीड से। रीजन बीइंग मैं सिटी के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ, एयर ड्रैग की वजह से फिलहाल कोई नॉइस नहीं है। दैट मीन्स 40-60 km/h की स्पीड से अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अभी जस्ट मैं एक बम्प से क्रॉस हुआ हूँ और ये पूरा लगेज से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई विजिबल साउंड नहीं है। बहुत ही सुपर्ब डैम्पिंग है, रबर बुशेस का इसमें यूज किया गया है ताकि साउंड को अच्छे तरीके से डैम्प किया जा सके एंड मिनिमम साउंड कैबिन स्पेस के अंदर ट्रांसलेट हो। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं खुली रोड है तो मैं अपना स्पीड थोड़ा रेस कर रहा हूँ। आई एम राइडिंग एट ऑलमोस्ट 100 km/h की स्पीड से एंड अब थोड़ी साउंड विजिबल है, अब साउंड कैबिन के अंदर सुनाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा हमारा कितना कैप्चर कर पा रहा होगा, बट 100 किलोमीटर की स्पीड के पास आप जैसे ही पहुंचते हैं, 80 क्रॉस इनफैक्ट आप जैसे ही 80 क्रॉस स्पीड करते हैं, वैसे ही अंदर एयर ड्रैग की वजह से केबिन नॉइज आना चालू हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू फ्यूल एफिशिएंसी, मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में इसको लगाने से पहले मेरी गाड़ी जो थी, अभी सिर्फ इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, ये जो एवरेज मुझे ऑफर कर रही थी दैट वाज समवेयर अराउंड 8.3 to 8.8, लेकिन जब से मैंने ये हार्ड रूफ कैरियर बॉक्स अपने छत पे माउंट करवाया तब से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी रिड्यूस होकर 7.9 रह गई है। इनफैक्ट अभी हम हाईवे पे ड्राइव करके आए हैं तभी 8.1 दे रही है। तो डेफिनेटली देखिए एयर ड्रैग बढ़ रहा है तो गाड़ी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद को आगे पुश करने के लिए, तो थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप देखने को मिलेगा जो कि क्वाइट एविडेंट है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि है यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की, भैया कितना इजी है इसको यूज करना और कितना इजी है इसको एक्सेस करना अगर आपको सामान डालना या निकालना हो। भाई मेरे फैमिली में सारे हाइट के नमूने हैं, मैं सबके थ्रू आपको दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी जो कि ऑलरेडी इतनी टॉल है उसके ऊपर ये लगा हुआ है उनके लिए कितना इजी है इसको यूज कर पाना। तो मां आपको यहां पे स्टूल लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई मम्मी चाबी तक तो पहुंच पा रही है लेकिन मम्मी आप कोई सामान निकाल पाओगी, उसको खोल पाओगी? मम्मी तो इस मामले में फेल हो चुकी हैं। अब बारी आएगी आशु की, अब आशु को देखते हैं कि आशु वहां तक पहुंच पाएगी। तो देखिए अब आशु की बारी है, आशु को भी स्टूल का यूज करना पड़ रहा है। आशु की जो हाइट है वो है 5'6", वो लॉक तक तो पहुंच चुकी है, अब देखना है कि क्या वो इसे खोल पाएगी। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, वाह आशु तूने खोल तो दिया, लेकिन क्या आशु तू ऊपर से कुछ उतार पाएगी? हाँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैनेजेबल है लेकिन हाँ बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं आशु को। 5'6" की हमारी इन बीवी जी को इतनी मेहनत करनी पड़ी वहां से उतारने के लिए। 5'2" की मेरी मम्मी तो बेचारी फेल हो चुकी है। मम्मी उतार सकती हो? मेरी बारी आ चुकी है, अब देखते हैं मैं क्या करूंगा। मेरी हाइट जो है दैट इज 5'10", 5'10" के बंदे के लिए कितना इजी है वहां तक पहुंच पाना। बाय द वे हम ये सब कर पा रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास ये स्टूल है, तो आप एडिशनल 2 फुट तो इस स्टूल का गिन लीजिएगा, स्पेशली वो लोग जिनके पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन है। तो मैं लॉक तक पहुंच पा रहा हूं, क्या मैं इसको ओपन कर पाऊंगा? जी हाँ मैं इसको ओपन कर सकता हूं। क्या मैं अंदर से कुछ सामान उतार पाऊंगा? भाई सारा सामान चढ़ाया ही मैंने तो उतारने की तो बात ही नहीं होती ना। तो हाँ भाई मैं आसानी से इसमें सामान चढ़ा भी सकता हूँ उतार भी सकता हूँ। थोड़ा सा इशू है बिकॉज मैं नीचे का जो स्पेस है वो नहीं देख पा रहा हूँ, नीचे छोटे छोटे हुक्स हैं तो वो स्पेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू है। चलो मैं आपको एक हैक दिखाता हूँ कि वहाँ तक पहुँचना कैसे। उसको उसके लिए आपको पहले अपने शूज उतारने पड़ेंगे, अदरवाइज बीवी से गाली पड़ सकती है, पति ही गाली दे। सीट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास स्कॉर्पियो हैं। तो अब मैं इजीली पूरे के पूरे बॉक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इस बॉक्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप इसको दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं, इसके बीच में एक हिंज दिया है जो कि दोनों तरफ से ओपन होता है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं, है ना शानदार चीज। हम मैट दिखाना भूल गए थे। हाँ यहाँ पे मैट भी रखी है बाय द वे। प्लेन, वाओ प्लेन की बच्ची, यहाँ शूट चल रहा है, शूट पे फोकस कर। देखा आप बोलते हैं ना कि वीडियो क्यों लेट आती है, ऐसे भाई ऐसे कैमरामैन है अपना फोकस लूज करते रहते हैं। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया कितना बड़ा छेद होने वाला आपकी पॉकेट में इसको लगाने के बाद, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि भाई प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से छेद ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको नॉर्मल जो आपके ट्रॉली बैग्स हैं भाई वही 10-10-15 हज़ार के कॉस्ट कर जाते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो है मात्र 37,000। कितना मात्र? भाई मात्र नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा खासा अमाउंट है, 37,000 ये आपको कॉस्ट करेगा। और अगर आप अभी भी अमेजन पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे जो बॉक्सेज हैं इनकी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, वही आपको कितना कॉस्ट कर जाते हैं, वो 40+ आपको कॉस्ट करेंगे फॉर द सेम साइज, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको ऑफर होते हैं जो आई थिंक 320 लीटर या 300 लीटर से स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है 650 लीटर या उससे भी प्लस पे, तो आपकी गाड़ी का जितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से आप साइज चुन सकते हैं। 450 लीटर के पैंटियर के हार्ड टॉप लगेज कैरियर बॉक्स की जो प्राइस है दैट इज 37,000 रुपीज एंड मेरे हिसाब से इट इज़ अ वर्थ इट डील। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, बैंगलोर में रहता है और ये लगवाना चाहता है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं कुछ और बॉक्सेस के भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वो यूज़ करना चाहें अमेजन से मंगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एंड लवर्स अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की थी, अगर आप इस इतना सामान कैरी करके ट्रैवल करने वाले हैं
तो भैया ब्लाइंडली गो फॉर इट, व्हाट आई एम सेइंग, ब्लाइंडली गो फॉर इट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े ढपाल बॉक्सेस डालें तो भैया ये बॉक्स आपके लिए नहीं है, अब बिग नो। अब भाई बात आती है वर्डिक्ट की, फाइनल वर्डिक्ट की, किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है और किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 मेंबर है जो कि छोटी ट्रिप पे जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, लेट्स से आप जयपुर घूमने जा रहे हैं, उदयपुर घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। 1 medium size, 1 small size ट्रॉली बैग, साथ ही साथ में मल्टीपल डफल बैग्स आ जाएंगे विच आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर स्मॉल टर्म नीड। लेकिन वहीं पे आप जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी जहाँ पे आपको पेल पेल के सामान रखना है, तो भैया ये बॉक्स आपके लिए नहीं है। आप सेम कंपनी का हायर कैपेसिटी वाला बॉक्स मंगा सकते हैं, मैंने इसे हायर कैपेसिटी 550 liters, 600 liters, 650 liters वो भी अवेलेबल मैंने लगवाई है। मैं चाहता हूँ कि आप भी लगवाएं और लगवाने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में आके, हमें ज़रूर बताएं। तो भाई ये थी आज की वीडियो और ये था आज का मेरा वर्डिक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि भाई ऐसा ही हार्ट ऑफ बॉक्स ढूंढ रहे हो, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया रुक जाओ, नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा, नहीं आपको पकड़ के रखूंगा मैं, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं तो रुकी हूं, मैंने तो सब्सक्राइब किया है ताकि ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके। हम सिर्फ रिव्यू वीडियो नहीं बनाते, हम बनाते हैं ट्रैवल वीडियो भाई, तभी तो ऊपर लगवाया। ये है मेरी प्यारी सी वाइफ, ये है मेरे पीछे खड़ा हुआ मेरा प्यारा सा पप्पी और वो मेरी मम्मी जो हमारे लिए बना रही है गर्मा गर्म चाय, जिसे पी के हमारे अंदर एनर्जी आएगी ना। तो भाई अगर आप ट्रैवल वीडियोस के शौकीन हैं जिसमें आपको नई नई जगह तो एक्सप्लोर करने को मिलेगी, साथ पे देखने को मिलेगा शानदार खाना, अगली वीडियो और भी शानदार होने वाली है क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी कुछ 10 मस्ट टू हैव एसेंशियल एसेसरीज जो कि आपके रोड एक्सपीरियंस पे 4 जान लगा देंगे। तो भाई अगली वीडियो जरूर देखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।